ये इतना स्पोर्टेबल इन दिस प्लेन्स इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे फ्लोरा और फाना को, तो फिर कुछ ही कम ही स्पीशीज़ होंगी जो यहाँ पे इंडेंजर्ड होंगी, मतलब बहुत कम स्पीशीज़ होंगी जिन्हें हम इंडेंजर्ड इन रीजन्स में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे कौन कौन सी मैमल्स की स्पीशीज़ हैं जो सर्वाइव करती हैं। उन्होंने कहा सम ऑफ नॉन थ्रेटन्ड मैमल्स, जिनको थ्रेट नहीं है कि वो इंडेंजर्ड होंगे, इनमें इंक्लूड करेंगे नीलगाय, रेड फॉक्स, वाइट बोर। ये जो हमारे पास है रेड फॉक्स, अब इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है क्योंकि इसका आप लोग देखें ज़ाहिरी जो इसकी शक्ल है वो तकरीबन रेडिश कलर की है, सो इसलिए इसका नाम रखा है रेड फॉक्स एंड वाइल्ड बोर। अब नेक्स्ट, अब हमने देखना है बर्ड स्पीशीज़ के हमारे पास कौन सी बर्ड स्पीशीज़ हैं जो इन रीजन्स में सर्वाइव करती हैं। बर्ड्स में हमारे पास आ जाएगा एलिजेंड्राइन पैराकेट, ये हमारे पास, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास बैरन ऊल, बैरन ऊल के बाद हमारे पास आ जाएंगे होपी, ब्लैक काइट, ये हमारे पास है ब्लैक काइट, माइना, इंडियन पी फूल, उसके बाद हमारे पास कुछ आ जाएंगी इंडियन लियोपार्ड, रेड वेंटेड बुलबुल, रॉक पिजन, शील्ड डक एंड शिकारा, ये हमारे पास कुछ आ जाएंगी बर्ड्स की स्पीशीज़। तो ये हमारे पास वो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जो नॉन थ्रेटन्ड हैं, जिनको कोई ख़तरा नहीं है कि वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं और वो इन दिस प्लेन्स और ये हमारे पास डेजर्ट्स में सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास रेप्टाइल्स कि कौन सी रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ हैं जो सर्वाइव करती हैं इन रीजन्स में। इनमें हमारे पास आ जाएंगे इंडियन कोबरा, ये हमारे पास इंडियन कोबरा है, इसके अलावा आ जाएंगे हमारे पास इंडियन स्टार टर्टाइल्स, सिंथ्रेट और हमारे पास आ जाएंगे येलो मोनीटर, ये हमारे पास येलो मोनीटर है, ये हमारे पास लिजर्ड की एक टाइप है जो हमारे पास येलो मोनीटर है, जो लिजर्ड के जिस तरह टाइप, इसको हम लिजर्ड की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है कि इसको लिजर्ड में क्लासिफाई किया हुआ है, ये लार्ज लिजर्ड हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा कि देखिए इसका येलिश सा कलर है इसमें, तो इसके कलर की वजह से इसका नाम रखा हुआ है येलो मोनीटर, या इसको लिजर्ड की एक टाइप भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ रेप्टाइल स्पेशीज़ हैं जो इस रीजन्स में सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट, अब हमने देखने एम्फीबियन स्पीशीज़ कि कौन सी एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं जो इस रीजन्स में सर्वाइव करती हैं। इसमें आ जाएंगे हमारे पास इंडस वैली बल्फ्रॉक, इंडस वैली टोट, ये हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं एम्फीबियंस की जो इन रीजन्स में सर्वाइव करती हैं। नेक्स्ट, अब हमने देखना है थ्रेटन स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जिनको थ्रेट है कि उनके इंडेंजर्ड होने का। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे मैमल्स कि कौन सी ऐसे मैमल्स हैं जिनको थ्रेट है कि वो इंडेंजर्ड, उनको खतरा है। उनमें आ जाएंगे हमारे पास एक्स डियर, ये हमारे पास है एक्स डियर, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास ब्लैक बक, ये इनकी जो इन कैप्टिविटी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड की, इनके वाइल्ड होने का खतरा है या एक्सटिंक्ट होने का या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये वो थ्रेटन स्पीशीज़ हैं जिनके मेजर थ्रेट है कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं वाइल्ड में, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनको कैप्टिविटी में रखा गया है क्योंकि ये इनके वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है। इसके अलावा ये हमारे पास है होक डियर, डोलिस, इंडियन पेंगोलिन, पंजाब यूरियल एंड सिंध आईबैक्स, ये हमारे पास कुछ मैमल्स की स्पीशीज़ हैं जिनका थ्रेट है कि ये इंडेंजर्ड हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बर्ड स्पीशीज़ के कौन सी बर्ड स्पीशीज़ हैं जिनका थ्रेट है कि वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं। इनमें आ जाएंगे हमारे पास वाइट बैक वल्चर, ये देखें आप इनकी बैक पे, ये फुली तो वाइट है लेकिन ये जो इनकी बैक है वाइट बैक वल्चर, ये हमारे पास वो बर्ड स्पीशीज़ है। सो अब हमने देखना है रेप्टाइल स्पीशीज़, रेप्टाइल स्पीशीज़ में आ जाएंगे हमारे पास ब्लैक पॉन्ड टर्टल एंड गोरियल। ग्रे पार्ट्रिज इज़ वन ऑफ द फ्यू बर्ड डैट कैन बी फाउंड इन द चोलिस्तान डेजर्ट, ये वो बर्ड है जो सिर्फ चोलिस्तान डेजर्ट में पाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास थरपारकर डेजर्ट स्पॉट अ फेयर पॉपुलेशन ऑफ चिंकारा, कि चिंकारा की कुछ पॉपुलेशन को जो स्पॉट करता है थरपारकर डेजर्ट। सो रेप्टाइल्स में वो स्पीशी आ जाएंगे हमारे पास ब्लैक पॉन्ड टर्टल एंड गारियल, कि जिनका थ्रेट है कि इनके इंडेंजर्ड होने का थ्रेट है।
आगे हमारे पास आ जाएंगे वर्ल्ड वॉर, नंबर्स हैव बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी दे इंजॉय इन मुस्लिम सोसाइटी डैट फॉरबिड्स कंसेप्शन बाय ह्यूमन, क्योंकि कहते हैं ये जो वाइल्ड बोर हैं ये ज़्यादातर मुसलमानों के जो इलाके हैं ना इस्लामिक इलाके, ये वहाँ पे इंजॉय करते हैं अपनी इम्यूनिटी को, क्यों, क्योंकि ये इनका फॉरबिड है, मुसलमानों को मना है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में इसके ये जानवर को खाने से मना किया गया है, इसलिए ये अपनी इम्यूनिटी को या अपनी कम्यूनिटी को ज़्यादातर इन इलाकों में इंजॉय करते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाएंगे मगर क्रोकोडाइल, जो मगर क्रोकोडाइल है इन हैबिट है द देह आकरू डेजर्ट, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नारा डेजर्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा रेजरवॉयर एंड हलीजी लेक में, चौथियारी रेजरवॉयर एंड हलीजी लेक में, ये यहाँ पे पाया जाता है कि ये यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल या ज़्यादा अपनी जो इनकी कम्युनिटी है इसको सपोर्टेबल समझता है। तो ये हमारे पास कुछ डेजर्ट हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कुछ हमारे पास ये रीजन्स हैं जिनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की है। आज हमने टू रीजन्स के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है, नेक्स्ट टू रीजन्स की नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन से नेक्स्ट टू रीजन्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, फाना और फ्लोरा को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे इनहिबिट रहने के लिए। सो डैट्स ऑल।